नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि मेरा नाम है मैं तेरी बार फहान। आई एम बैक विद माय लॉन्ग एंड थ्री हेयर्स एंड जो कर्ली हेयर वाला मैंने ट्राई किया था आई थिंक वो सबसे बैड ट्रायल था अभी तक का मेरे मामले में लेकर। बट आई एम हैप्पी विद माय लॉन्ग एंड थ्री हेयर्स बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसे ही बाल मेरे ऊपर ठीक लगते हैं। सो आज मेरे बाल काफ़ी अच्छे हेल्दी और स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एलोवेरा पैक। मैंने आज एलोवेरा पैक लगाया था एंड एलोवेरा हमारे लिए कई तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। बट मेन वजह जिसकी वजह से हर किसी को एलोवेरा लगाना चाहिए वो ये कि अगर आप अपने बालों को सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हैं, सिल्की भी नहीं कहूँगी बट अगर आप अपने बालों में शाइन क्रिएट करने के लिए विदाउट एनी केमिकल अपने बालों में शाइनिंग बढ़ाओगे, आपको किसी नेचुरल इन्ग्रीडियंट की ज़रूरत है तो आपको एलोवेरा ज़रूर ज़रूर अपने बालों में लगाना चाहिए। जानते हैं कि किस तरह से एलोवेरा की प्रॉपर्टीज आपके बालों को हेल्दी बना सकती है और कैसे एलोवेरा के जेल को आप अपने बालों में लगाना है। तो अगर आप कहीं से एलोवेरा की लीव्स लेकर आई हैं और आपको सुबह इसे लगाना है तो आप एल्युमिनियम फॉइल की मदद से इसके लास्ट पार्ट को कवर कर सकती हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। इससे जो जेल है वो निकलता नहीं है और ये फ्रेश बनी रहती हैं। अब हम इनके ये जो साइड पार्ट्स हैं इनको कट कर लेंगे ताकि इनसे जेल निकाला जाए। अब हम इन पत्तियों से अच्छे तरीके से जल निकालते चले जा रहे हैं और आप देख सकते हैं सारी पत्तियों से जल निकल चुका है। अब हम इन्हें ग्राइंडर की मदद से एक अच्छा सा जेल बना लेंगे। जेल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इस तरह से हमारा ये जेल तैयार हो चुका है। अब एक ब्रश की मदद से इस जेल को हम अपने बालों में लगाने जा रहे हैं। बालों को हेल्दी बनाने का ये एक नेचुरल उपाय है जिसे कोई भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों में अच्छे तरीके से एलोवेरा मास्क लगा लिया एंड ये मास्क बहुत हेल्पफुल है आपके बालों के लिए। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं एंड 30 से 40 मिनट का मैं इंतजार करने वाले हूँ और उसके बाद बालों को धोने और जो इनके हेयर मास्क है इसको धोने के बाद आपको अपने बालों में बहुत अच्छे से काम करनी होगी क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से रेशे होते हैं एलोवेरा के। आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पे लाइक मेरी इस उंगली पे एक रेशा है, लगता है कि एक वाइट सा रेशा है। ये जो वाइट रेशा है इस तरीके जो रेशे हैं वो बालों में रहना जाए इसलिए बहुत अच्छे तरीके से अपने बालों में काम करने वाले। तो मिलते हैं आपसे 30 मिनट के बाद। सो आप देख सकते हैं बालों को धोने के बाद मेरे ये बाल। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ अगर पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।